बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब, माय यूट्यूब फैमिली, माय फ्रेंड्स। आज मैं बहुत ही प्यारी प्यारी बच्चियों के लिए बहुत ही खूबसूरत आइडियाज लेकर आई हूँ। अपनी डॉल को कैसे डेकोरेट करना है, उन्हें घर में ही छोटे छोटे पीसेस, मामा के ड्रेस से जो बचे हुए हैं उन्हीं को यूज करके अपनी डॉल को कैसे खूबसूरत बना सकते हैं। इस तरह की डिफरेंट डिफरेंट आइडिया से आप अपने फ्रेंड्स को, अपनी कजन्स को गिफ्ट भी कर सकती हैं ये डॉल्स। तो देखते हैं, ये मेरे पास वेलवेट का थोड़ा सा पीस बचा हुआ है क्योंकि विंटर चल रहा है, तो विंटर में डॉल के लिए भी जरा कुछ ऐसे ही ड्रेसेस चाहिए थे, तो वो हमने रेडी किए हैं इसके लिए। लेस का भी एक पीस बचा हुआ था, वो हमने इसकी योक के लिए तैयार करके रख लिया है। अब हम पहले इसकी चेस्ट को रेडी करते हैं। ये छोटा सा पीस हमने लिया है और इसकी नेक पर हमने थोड़ी थोड़ी चुनर डाली है। इस तरह मैंने इस तरह से ये डिजाइन किया है इसका डॉल का ड्रेस, कि छोटी बच्चियां भी अपने लिए आराम से इसको तैयार कर सकती हैं, क्योंकि स्टिचिंग करना उनके लिए थोड़ा मुश्किल होता है छोटी बच्चियों के लिए। तो सुई के साथ वो आराम से इस तरह से टांके लगा सकती हैं देखकर। तो ये बहुत अच्छी एक्टिविटी है बच्चियों के लिए, घर में उनको बिजी रहने के लिए भी अच्छी है और इससे बच्चियां बहुत खुश भी रहती हैं। तो उम्मीद है आपको ये मेरी वीडियो पसंद आएगी, बच्चों को खास तौर पर। और अगर पसंद आए तो आपने लाइक कर देना है, कमेंट करना है और सब्सक्राइब भी कर ले चैनल को, ताकि आइंदा भी इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियोस देखने को आपको मिलती रहें। तो ये जो चुनट वाली साइड थी, मैंने फ्रंट पर ये ग्लू गन से इसको अटैच कर दिया है। ये इसमें कोई स्टिचिंग की खास जरूरत नहीं है, ग्लू गन की हेल्प से ही हमने सारा ड्रेस रेडी करना है। और इसके आर्म्स भी मैंने अच्छे से अटैच कर दिए हैं। मोस्टली इस तरह की छोटी डॉल्स के आर्म्स जो हैं वो अलग हो जाते हैं खेलते वक्त बच्चियों से, तो मैंने इसलिए इनके थोड़े से आर्म्स भी इसी तरह ग्लू गन से फैब्रिक के साथ ही अटैच कर दिए हैं, ताकि खेलते वक्त भी ये टूटे नहीं। अक्सर घर में छोटे छोटे पीसेस तो इस तरह हमारे ड्रेसेस से बचे हुए होते हैं, या टेलर से भी हम ले लें तो वो दे देते हैं। तो ये इस तरह से मैंने अटैच की हैं डॉल के साथ, कि आप इनको जो है रिप्लेस भी कर सकते हैं अगर आपकी डॉल का ड्रेस गंदा हो गया। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो आपने कमेंट करके जरूर बताना है, और ये बताना है कि नेक्स्ट हम आपको किस तरह की वीडियो स्टिचिंग के हवाले से या डिजाइनिंग के हवाले से जो है आपके लिए लेकर आए। आपने कमेंट जरूर करना है फीडबैक से, आप हमें बहुत हौसला मिलता है, आपके फीडबैक का बहुत इंतजार होता है और प्यारे प्यारे कमेंट्स पढ़कर बहुत खुशी होती है। आप हमारे चैनल का विजिट जरूर कीजिए, क्योंकि जो लोग बिगनर्स हैं और स्टिचिंग नहीं जानते, उनकी उनको थोड़ा मुश्किल लगेगा, लेकिन उनके लिए भी परेशान होने की बात नहीं है, क्योंकि हमने अपने चैनल में बहुत ही इजी मेथड के साथ बिगनर्स के लिए वीडियोस अपलोड की हुई हैं, कटिंग एंड स्टिचिंग की, और इसके अलावा डिजाइनिंग की भी बहुत सारी वीडियोस अपलोड की हुई हैं, जिसे आप आइडियाज दे सकते हैं कि किस तरह से आपने अपने लिए, अपने बच्चियों के लिए, या छोटी बच्चियां भी उसमें से आइडियाज ले सकती हैं कि किस तरह अपने डॉल्स की ड्रेसेस उन्होंने रेडी करने हैं। हमारी कोशिश होती है कि हम आपको बहुत अच्छे से, डिटेल से और बहुत आसान तरीके से समझाएं, ताकि हर कोई इनको फॉलो कर सके और इनसे फायदा उठा सके। डिजाइनिंग वीडियोस का मकसद भी यही होता है कि आप इनसे आइडियाज ले सकें और अपनी बच्चियों के लिए खुद ड्रेसेस रेडी कर सकें, या अपनी टेलर को दिखाकर खुद इस तरह की डिजाइन रेडी करवा सकें। तो हमारी हमेशा यही कोशिश होती है कि हम बहुत अच्छे तरीके से समझाएं, लेकिन फिर भी अगर आपको कोई मुश्किल लगे स्टिचिंग के आइडियाज के हवाले से कुछ समझने में, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। इसके अलावा आपके आइडियाज पेज को फॉलो करके वहां भी आप कमेंट में हमसे पूछ सकती हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप में भी हमसे रابطہ कर सकती हैं। तो हमारी ये कोशिश होती है कि जिस तरह से भी आपको जो है आपके लिए आसानी हो, उस तरह से आपकी मदद की जा सके। तो हमारी वीडियोस देखने का बहुत शुक्रिया। तो आपको बताती चलूं कि ये डॉल के ड्रेस का आइडिया हमारी एक व्यूअर की फरमाइश है। उन्होंने फरमाइश की थी कि डॉल के ड्रेस रेडी करना भी सिखाएं। उनकी बच्चियां हैं और वो अपनी मामा से ये फरमाइश करती हैं, तो उन्हें जो है वो सीखना है डॉल के ड्रेसेस बनाना। तो उनकी फरमाइश पर हमने ये ड्रेस बनाया है डॉल का। तो एक हमारी व्यूवर जो है वो, उन्होंने दुआओं के लिए कहा है, उनके लिए दुआ करें। आप सब उनके लिए दुआ करें कि वो ठीक हो जाएं जल्द अज जल्द, अल्लाह ताला उनको शिफाए कामला आजला अता फरमाए। और एक और व्यूवर है हमारी, उन्होंने
भी दुआ के लिए कहा है कि उनकी शादी को 12 साल हो गए हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने अभी तक उनको बीबी की नेमत से नहीं नवाजा। हमारी दुआ है, सबकी दुआ है कि अल्लाह ताला उनको जल्द अज जल्द इस नेमत से नवाजें, क्योंकि इससे बड़ी नेमत दुनिया में शायद कोई नहीं है। अल्लाह ताला सबको दुनिया में जहाँ कहीं भी औलाद है, अल्लाह ताला उनको औलाद की नेमत से नवाजें। आमीन सुम आमीन। हमें भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा और खुश रहें, जिधर भी रहें, जहां रहें, खुशियां बखेरते रहें। हमेशा अपनी दुआओं में दूसरों को याद रखें। जो दूसरों के लिए दुआ करता है, अल्लाह ताला सबसे पहले उसके हक में वो दुआ कबूल करते हैं, उसके बाद वो दूसरों को नवाजते हैं। तो हमें जो भी चीज़ दूसरों की अच्छी लग रही हो या दूसरों से हम मुतासिर हो रहे हो किसी भी लिहाज से, किसी भी चीज़ से, तो हमें सबसे पहले उसकी उस नेमत में इजाफे की दुआ करनी चाहिए दूसरों के लिए। उससे होता क्या है कि वो दूसरों को देने से पहले अल्लाह ताला उस आदमी के हक में वो कबूल करते हैं जो दुआ कर रहा होता है, उसके बाद वो दूसरों के लिए कबूल करते हैं। तो हमेशा कोशिश करें कि दूसरों के लिए आसानी और राहत का सबब बन सकें, किसी को तकलीफ ना दें। तो इंसान जो है वो अपनी पहचान, अपनी शख्सियत की पहचान इसी तरह से करवाता है कि जो नेक काम या अच्छे काम वो दुनिया में करके जाता है तो लोग उसको याद करते हैं। ये देखें, अब डॉल जो है वो ज्वेलरी पहन रही है और मेरी बेटी आयशा की डॉल है ये, उसकी फरमाइश थी कि इसको ज्वेलरी भी पहनाई जाए, क्योंकि वो कहती है कि डॉल मेरी ऐसी होनी चाहिए, वो रानी दिखनी चाहिए। और उसको ताज पहनाने की भी उसने फरमाइश की है कि इसको ताज भी पहनाया जाए। वो खुद भी बहुत ज्यादा क्रिएटिव है इस तरह की ड्रेसिंग के हवाले से, वो खुद भी अपने बहुत प्यारे प्यारे ड्रेसेस की फरमाइश करती रहती है, मामा मेरे लिए इस तरह के ड्रेसेस होने चाहिए, खुद कह के वो बनवाती है। तो उसकी फरमाइश पर ये मैंने ज्वेलरी भी इसको पहना दी है और इसके थोड़ी डेकोरेशन भी कर दी है, तो इससे वो बहुत ज्यादा खुश हो गई है। अब नेक्स्ट वीडियो जो है वो डॉल ही की आएगी आपके लिए, आप इंतजार करें उसका, क्योंकि आमना की भी फरमाइश है कि उसकी डॉल को भी डेकोरेट किया जाए। तो आज तो मैं सिर्फ यही बना सकी हूँ, तो नेक्स्ट देखें कि कब टाइम निकाल पाती हूँ उसके लिए। तो इंशाल्लाह जल्दी आएगी, क्योंकि वो इतना वेट नहीं करेगी। जब एक की डॉल बन गई है तो दूसरी तो फिर बहुत जल्दी उसको होगी कि जल्दी से उसकी डॉल भी बन जाए। तो बातें तो होती रहेंगी। अब आप ऐसा करें कि सबसे पहले मेरे चैनल को, जो न्यू हैं अभी आए हैं हमारे चैनल पर, तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, और जो जिन्होंने कर रखा है हमारे चैनल को सब्सक्राइब, तो उनका बहुत शुक्रिया। तो दुआओं में याद रखिएगा, नेक्स्ट भी इस तरह की आपके लिए वीडियोस लाते रहेंगे। इंजॉय कीजिए वीडियो को और थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।